तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल इफ फॉर्मूले की, और इस फॉर्मूले में हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसकी यूज करते हैं, ये बातचीत करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कि मैंने कल बताया था कि अगर सिंगल कंडीशन होगी भाई ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 500 आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे मान लीजिए कि 10 आ जाए। तो इसके लिए तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इफ फॉर्मा लगाएंगे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है या ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 500 अदरवाइज 10। तो सिंपल कंडीशन था, आपने इसको यूज कर लिया। लेकिन इसी कंडीशन को अगर मुझे मल्टीपल करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 50 to 80 हो तो 500 अदरवाइज 10 होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। एक तो है कि हमारे पास जब मोर देन वन कंडीशन होता है, क्योंकि एक इसमें एक ही कंडीशन ऐड होती है, एक से ज्यादा कंडीशन हो, एक से ज्यादा चीज चेक करनी हो तो हमारे पास एंड का फॉर्मूला होता है। एंड हम इसको सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, और फिर वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 80 है। अगर ए टू इज ग्रेटर देन 50 या ए टू इज लेस देन 80 तो क्या हो, रिजल्ट यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आएगा। और मुझे ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ यहाँ पे 500 अदरवाइज 10। ओके, तो ए 50 से ऊपर है, 80 से नीचे है, इस तरह की जो मोर देन कंडीशन को हम एंड में डाल देते हैं। एंड जो है अपने अंदर एक से ज्यादा कंडीशन को ऐड करता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुआ मतलब कि कंडीशन अगर मैच कर रहा है तो रिजल्ट ओके आएगा, अदरवाइज पेंडिंग आएगा। समझ गए? तो एंड फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? सुनील जी, कोई डाउट इसमें? सर एक बार दोबारा बताना, मेरा एक नेट वो हो गया था। एंड फॉर्मूला का यूज होता है मोर देन वन कंडीशन, जैसे कि आपके पास 10 या 15 कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को आप फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। क्योंकि तो क्या है ना सर कि एक इसमें एक ही कंडीशन ऐड हो सकती है ना, एक से ज्यादा ऐड नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम एंड के अंदर मल्टीपल कंडीशन डालते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे डाल रखा हूं मैं। समझ में आया सर? सुनील जी? यस सर। सर एक चीज, जो हम इसमें मैन्युअली अगर कुछ लिखते हैं टेक्स्ट में, उसी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं? जी हाँ। अगर मैनुअली नहीं, मतलब कि जो कोई टेक्स्ट, किसी तरह का टेक्स्ट ABCD 1 2 3 अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको यहाँ पे एक करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हाँ टेक्स्ट इन्वर्टर कॉमा यूज करना पड़ेगा, ABCD कुछ भी करते हैं तो। ओके सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अब यहाँ एंड हुआ, तो क्या इसको बगैर एंड के भी किया जा सकता है? हमने बताया था दो तरीका है, पहला है आपका एंड फॉर्मूला का, दूसरा आता है हमारा इफ फॉर्मूला का। इसके जरिए भी इसको किया जा सकता है। इसके जरिए कैसे करेंगे, चलिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ दो इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक इफ में एक ही कंडीशन होता है। इफ अगर ए greater than equal to 50 कॉमा, फिर इसमें हम एक और इफ लगाएंगे, अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 500 अदरवाइज 10, फिर कॉमा, हमें अदरवाइज यहाँ 10 करना पड़ेगा। क्योंकि दो इफ है तो दो फॉल्स होगा और दो बार इफ ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है सर, समझ आया सर? हेलो सर, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर।
सुनील जी आपको समझ में आया? यस सर। चलिए अब इसमें देखिए दो हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो सिंपल है, एंड वाला सिंपल लग रहा है, इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि हमें फाइनली रिजल्ट 10 है, इसलिए हमने इसका क्या 500 देना या 10 देना है। अगर आपको ये देखना होता भाई लेस देन 50 होगा तो मुझे देना है यहाँ पे 10, और ग्रेटर देन 80 होगा तो हमें देना है 20, तो उस केस में आपका ये एंड फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा। उस केस में हमें इसको लेना पड़ेगा और हमें बोलना है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। हम यहाँ पे इजीली रिजल्ट दे सकते हैं कि अगर तो आप एंड का यूज कब करते हैं, जब आपके पास कई सारे कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस रिक्वायर होते हैं बट रिजल्ट आपका सेम होता है, राइट सर? रिजल्ट आपका सेम होता है, लेकिन जब आपके पास कई सारे कंडीशंस और डिफरेंट रिजल्ट है तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल मैं तैयार करता हूं। मैंने यहाँ पे दिया नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ, सब्जेक्ट 1 2 3 इस तरह सब्जेक्ट देता हूँ, 4 सब्जेक्ट देता हूँ। और यहां पे मैं अपने स्कोर दे देता हूं, अब मुझे इस पे रिजल्ट देना है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए यहां हम एक फॉर्मूला एंड, मतलब कि रिजल्ट में क्या देना है कि हर सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो पास करना, अदरवाइज फेल करना है। तो यहां हम देते हैं यहां पे एंड, एंड में देते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर वापस सेलेक्ट करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगेन वापस सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एंड वापस इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब जितने भी है हमने D2, C2, E2 दे रखा है, सारे के सारे अगर 33 से बड़ा या बराबर है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और इस ट्रू फॉल्स को पास और फेल में कन्वर्ट करने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें?
हाँ सर, कोई प्रॉब्लम इसमें? सुनील जी, सुरेंद्र जी, नहीं सर, ये वाला तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम इफ से करें तो कैसे होगा? नेस्टेड इफ से, तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे किया इफ, हमने बोला अगर सब्जेक्ट वन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, ऐसा हुआ तो फिर हम बोले दूसरा इफ लगाओ, मतलब दूसरे को चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर वापस इफ लगाया, बोला कि अगर दूसरा सही है तो तीसरे को चेक करो 33, अगर तीसरा भी है देन चौथे को चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर चौथा भी ओके है देन यहाँ पे पास करे हो, अदरवाइज फेल करे। अब बट प्रॉब्लम यह है कि पास होने के चांसेस एक बार है, बट फेल होने के चांसेस जो है वो चार बार है, मतलब कि हमने चार इफ लगा है तो मुझे कॉमा देके चार इफ का फॉल्स बार देना होगा, तो चार बार फेल लिखना पड़ेगा। हमने चार बार फेल दे दिया सर, हम एक एक बार भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं, एक बार लिखेंगे तो दिक्कत होगा, एक बार कैसे लिख सकते हैं इसमें? क्योंकि देखिए बता, सिंपल बात समझिए, यहाँ आपके साथ जो है ये हमारा क्या हुआ, पहली कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन फुलफिल हुई, अगर ये अगर फुलफिल हुआ तो ये दूसरे इसको फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे क्या करेगा, इसको शो करेगा, समझे? सेम सेकेंड इफ क्या करेगा, चेक करेगा अगर ये रिजल्ट फुलफिल हुआ, मतलब 30 से ऊपर हुआ तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर 30 से ऊपर नहीं हुआ तो सीधे जो है वो इसको शो करेगा, दूसरे वाले इफ जो है इसको शो करेगा। सेम तीसरा इफ क्या करेगा, चेक करेगा अगर ये रिजल्ट फुलफिल हुआ तो चौथे को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज वो इसको शो कर देगा, और सेम चौथा इफ चेक करेगा अगर रिजल्ट सही है तो ए पास शो करेगा, अदरवाइज सीधे इस फेल को शो करेगा, राइट सर? क्योंकि हर इसका एक ट्रू पार्ट है और एक फॉल्स पार्ट है। अगर हम बात करें इस इफ का इस पूरा का पूरा एरिया जो आप दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ये इसका टू पार्ट में है, और ये आपका फॉल्स पार्ट में। सेम इस इफ की बात करें तो ए जो है ये पूरा का पूरा जो है ये टू पार्ट है, ये हमारा फॉल्स पार्ट है। इसलिए अगर आप नहीं देते हैं, अगर सब्जेक्ट टू में फेल हो गया तो फेल की जगह पे फॉल्स शो कर देगा। समझे? तो इसका यूज होता है। तो इस दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ए सिर्फ पास और फेल रिजल्ट ही दे सकता है, बट आप जो है एक फेल के जवाब पे कोई भी मैंने कुछ भी लिख सकते, मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट फोर फेल, सब्जेक्ट फोर फेल, सब्जेक्ट थ्री फेल, सब्जेक्ट टू फेल एंड सब्जेक्ट वन फेल, इस तरह से देख सकते हैं, जो कि एंड में नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं और की, और का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पे कुछ डेट डालता हूं और मुझे इस डेट का सैटरडे एंड संडे निकालना है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मैं यहां से डी 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 तीन बार डी डी गया तो सैटरडे एंड संडे आ गया।
तो यहाँ पे हम देंगे कंडीशन इसका, इफ नहीं इफ नहीं, मतलब मुझे ये देना है कि सैटरडे संडे हो तो यहाँ पे वीकेंड आए, अगर भाई वीक डे आए तो इसके लिए हमारे पास और का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हम और का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, और का फॉर्मूला लगाने के पीछे पर्पस ये है कि मेरे पास दो है, ये दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, एक आपका दिख रहा है यहाँ पे सैटरडे एंड संडे, और दोनों जो है ऑप्शनल है, ठीक है सर। इसलिए यहां पे हम देंगे अगर ये सैटरडे है कॉमा, वापस इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू संडे है, तो ये चेक करेगा कि सैटरडे एंड संडे दोनों में से कोई एक भी मिल गया तो रिजल्ट आपको दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा, सिर्फ फॉल्स दे रहा है। अब इसको मैं अपना हिसाब से करना है तो यहां पे इफ, और यहां पे हमें देना है कि यहाँ पे वीक एंड, और फिर यहाँ पे देना है वीक डे, ये आपका आ जाएगा। और इसी को आपको अगर विदाउट और करना हो तो इसमें आपको दो इफ लगाने होंगे, पहला इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये सैटरडे है तो यहीं पे वीक एंड कर दे, फिर सेलेक्ट किया कॉमा, अगेन इफ दिया और बोला कि अगर ये संडे है तो यहीं पे हमने बोला कि आप वीक एंड कर दें, अदरवाइज वीक डे यहां पे कॉमा ऑल्सो एक कॉमा ब्रैकेट क्लोज होगा फिर कॉमा होगा, नहीं होगा सर क्योंकि दो बार हमने वीक मेरे में दो बार डालेंगे सर, फिर वीक के दो बार नहीं डालने की जरूरत नहीं, ठीक है ये हो गया आपका। और इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन में जाऊं मैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ नेम है और मान लीजिए कि मेरे पास पैन नंबर है, डीएल है, पैन डीएल, वोटर है, यूआईडी है, चार चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टेटस शो करना है, और यहां पे हम देते हैं और, अगर ए इक्वल टू वाई है कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया बोला इक्वल टू वाई है कॉमा, अगेन इक्वल टू वाई है कॉमा, इसको सिलेक्ट किया बोला इक्वल टू वाई, ये सारा अगर वाई है तो रिजल्ट ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा, तो और में कोई भी एक ऐसा हो। और इसी को अगर मुझे नेस्टेड इफ के थ्रू करना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, यहां होगा इक्वल
वाई, हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहीं पे ओके शो कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर मैं बोला कि फिर दूसरा इफ चले और इसको चेक करेंगे क्या ए इक्वल टू वाई है तो यहीं पे ओके शो करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि फिर नहीं है तो तीसरा चेक करो, तीसरा इक्वल टू वाई है तो यहीं पे ओके शो करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अगेन इफ लगाया और इसको सिलेक्ट किया, देन इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे ओके करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है तब यहाँ पे हम पेंडिंग लिखेंगे, ठीक है। जैसे नेस्टेड इफ और इफ कंडीशन दोनों एक ही होती है नहीं, या अलग अलग होती है नेस्टेड इफ अलग और इफ अलग? ठीक है, होता तो इफ ही है, नेस्टेड इफ हम लोग अपने मन से कहते हैं क्योंकि हम एक इफ के साथ कई सारे इफ का एक घोसला बना देते हैं। नेस्टेड इफ नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हम लोग आप लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमें एक इफ में कई सारे इफ निकाली, जो चार कंडीशन है, हो सकता है 40 हो, बात समझ रहे हैं सर? हेलो सुनील जी। हाँ सर, हम लोग बोलते हैं। और इस कंडीशन मतलब जो फॉर्मूला है इफ, उसको इफ फॉर्मूला कहा जाता है। और इस कंडीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इफ कंडीशन चेक करता है, इसलिए इसको हम इफ कंडीशन कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको इफ एल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसके आगे का जो एग्जांपल्स है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, उसके बाद इसके आगे के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाते जाऊंगा और आप जो है पढ़ते जाएंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं? क्या बोले सुनील जी? हाँ सर ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ इसकी प्रैक्टिस कर ले, मिलते हैं कल सेम टाइम, और कल हम बात करेंगे और इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले के कैसे इस्तेमाल करते हैं उस तरह उसके लिए।